प्रीवियस क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हमने प्रीवियस क्लास में छोड़ा था हेटरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हम फिर एक बार हेटरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन को आज रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज यूक्रोमेटिन? यूक्रोमेटिन हमारे पास में कैसा स्टेंड होता है? लाइट स्टेंड। ओके, जब हम क्रोमेटिन को स्टेन करते हैं तो यूक्रोमेटिन हमारे पास में कैसा स्टेन होता है? लाइट स्टेन। ओके, यूक्रोमेटिन में रिपीट सीक्वेंस नहीं होते। दैट मीन्स मैं ये बोलूं दैट ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी, ये रिपीट चल रहा है ना ए जी का, ए जी आफ्टर दैट ए जी आफ्टर दैट ए जी आफ्टर दैट ए जी एंड आफ्टर दैट ए जी। तो यूक्रोमेटिन में हमारे पास में रिपीट सीक्वेंस नहीं होगे। ठीक है, यूक्रोमेटिन में हमारे पास में कैसा सीक्वेंस चलेगा? जस्ट लाइक ओके, यहाँ पे कुछ रिपीट आया, ए ए के बाद में जी, जी के बाद में सी, सी के बाद में टी, टी के बाद में सी एंड ए, कुछ भी रिपीट नहीं आया ना हमारे पास में। दैट मीन्स यूक्रोमेटिन में हमारे पास में रिपीट सीक्वेंस नहीं होते। यूक्रोमेटिन हमारे पास में कैसा स्टेंड होता है? लाइट स्टेंड होता है। एंड यूक्रोमेटिन में प्रेजेंट डीएनए एक्टिव डीएनए होता है। ओके, दैट मीन्स ये डीएनए रेप्लिकेशन में इन सब में क्या लेता है? पार्टिसिपेट करता है। यूक्रोमेटिन में प्रेजेंट डीएनए कैसा होता है? एक्टिव डीएनए होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यूक्रोमेटिन में प्रेजेंट जीन्स हमारे पास में कैसे जीन्स होते हैं? एक्टिव जीन्स। ओके, यूक्रोमेटिन में एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, जस्ट लाइक टेम्परेचर, सनलाइट, इन सब का इफेक्ट यूक्रोमेटिन पे क्या होता है? लेस होता है। टेम्परेचर इफेक्ट या तो होता ही नहीं है या क्या होता है? बहुत कम होता है। अब जो हमारे पास में यूक्रोमेटिन है, इसका जो डिवीजन है वो कब स्टार्ट होता है? सेल साइकिल की एस फेज के शुरू में होता है। ओके, सो यूक्रोमेटिन का डिवीजन हमारे पास में कब स्टार्ट होता है? सेल साइकिल की एस फेज इनिशिएशन के शुरू में होता है। ठीक है, सो यूक्रोमेटिन में हमने क्या क्या पढ़ा? दैट यूक्रोमेटिन हमारे पास में कैसा स्टेंड होता है? लाइट स्टेंड होता है। यूक्रोमेटिन में रिपीट सीक्वेंस नहीं होता है। यूक्रोमेटिन में फाउंड डीएनए कैसा डीएनए होता है? एक्टिव डीएनए होता है। एक्टिव डीएनए मींस यहाँ पे जीन्स कैसे होते हैं हमारे पास में? एक्टिव जीन्स होते हैं। यूक्रोमेटिन पे टेम्परेचर इफेक्ट, सनलाइट इफेक्ट, दैट मीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट क्या होता है? बिल्कुल नेग्लिजिएबल होता है। एंड यूक्रोमेटिन का डिवीजन कब स्टार्ट होता है? एट द टाइम ऑफ एस फेज इनिशिएशन इन सेल साइकिल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है हेटरोक्रोमेटिन। ओके, सो व्हाट इज हेटरोक्रोमेटिन? ओके, सो हेटरोक्रोमेटिन हमारे पास में कैसा स्टैंड होता है? डेंस स्टैंड। ओके, नेक्स्ट हेटरोक्रोमेटिन में हमारे पास में कैसे सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं? रिपीट सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट हेटरोक्रोमेटिन पर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनका इफेक्ट क्या होता है? मोर।
रिपीट सीक्वेंस मीन्स ए जी जी, आफ्टर दैट ए जी जी, आफ्टर दैट ए जी जी, ओके। और हेट्रोक्रोमेटिन हमारे पास में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेंट्रोमियर, टीलोमियर पार्ट पर, क्रोमोसोम के, ओके। जस्ट लाइक ये हमारे पास में क्या है? क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम का ये पार्ट हमारे पास में क्या है? सेंट्रोमियर, एंड दैट पार्ट इज टीलोमियर, ओके। सो हेट्रोक्रोमेटिन हमारे पास में कैसा होता है? डेंस स्ट्रैंड होता है। यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन में कैसे सीक्वेंस होते हैं? रिपीट सीक्वेंस होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है। हेट्रोक्रोमेटिन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंट्रोमियर, टीलोमियर, और बाकी जगह हमारा क्या प्रेजेंट है? यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन में प्रेजेंट हमारे पास में जो डीएनए है वो कैसा है? इनएक्टिव डीएनए है। एंड जीन्स कैसे हैं? इनएक्टिव जीन्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में हेट्रोक्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए कैसा है हमारे पास में? हेट्रोक्रोमेटिन में इनएक्टिव डीएनए, एंड जीन्स कैसे हैं? इनएक्टिव जीन्स। इस इनएक्टिव डीएनए को हेट्रोक्रोमेटिन में हम क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। व्हाट? रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए एंड सेट डीएनए। सो दिस इज हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन हमारे पास में कैसा स्ट्रैंड होता है? डेंस स्ट्रैंड होता है। हेट्रोक्रोमेटिन में कैसे सीक्वेंस फाउंड होते हैं? रिपीट सीक्वेंस फाउंड होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है। हेट्रोक्रोमेटिन कौन कौन से रीजन्स में फाउंड होता है? सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर। हेट्रोक्रोमेटिन में प्रेजेंट डीएनए हमारे पास में कैसा डीएनए होता है? इनएक्टिव डीएनए होता है। एंड अगर इनएक्टिव डीएनए हेट्रोक्रोमेटिन में प्रेजेंट है तो जीन्स कैसे हैं? इनएक्टिव जीन्स है। और हेट्रोक्रोमेटिन में जो इनएक्टिव डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए एंड सेट डीएनए, ओके। सो हम हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का डिफरेंस एक बार अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, एंड देन आप उसको नोट कर लीजिएगा, ओके।
सॉरी, यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट होगा। आप इसको नोट कर लीजिए पूरा। सो आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है दैट हेटरोक्रोमेटिन भी हमारे पास में टू टाइप की होती है। फर्स्ट इज ओके, सो फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन हमारे पास में वो हेटरोक्रोमेटिन होती है जो हेटरोक्रोमेटिन की कौन सी स्टेज होती है, टेम्पररी स्टेज होती है। ओके, मतलब फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन आराम से किसमें इंटरचेंज हो सकती है, यूक्रोमेटिन में इंटरचेंज हो सकती है। उस हेटरोक्रोमेटिन को हम कौन सी हेटरोक्रोमेटिन बोल रहे हैं, फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन। दैट मीन्स फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन हेटरोक्रोमेटिन की कौन सी स्टेज है,
टेम्परेरी स्टेज है, ये फैक्यूल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन इजीली किसमें इंटरचेंज हो सकती है, यू क्रोमेटिन में इंटरचेंज हो सकती है। ठीक है, हमारे पास में जैसे ये एक क्रोम टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, वन ये एंड वन दिस, ओके। तो ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ओनली वन क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेगी, दैट मींस वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम में ओनली ये वन क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेगी वो हेटरोक्रोमेटिन। हमारे पास में कौन सी हेटरोक्रोमेटिन है? फैक्यूल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन। फैक्यूल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन हेटरोक्रोमेटिन की टेम्परेरी स्टेज है, दैट मीन्स ये हेटरोक्रोमेटिन इजीली किस में कन्वर्ट हो सकती है? यू क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकती है, एंड वन क्रोमोसोम पेयर में ओनली ये वन क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट रहेगी। जस्ट लाइक हमारे पास में फीमेल में 2x क्रोमोसोम होते हैं, ओके ठीक है, तो 1x क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट रहेगी हमारे पास में? हेटरोक्रोमेटिन। क्या प्रेजेंट रहेगी? हेटरोक्रोमेटिन। दैट मींस ये एक्स क्रोमोसोम हमारे पास में कैसा होगा? इनएक्टिव होगा और क्या बनाएगा? बार बॉडी, ओके। हमारे पास में एक क्रोमोसोम पेयर के ओनली वन क्रोमोसोम में ही क्या प्रेजेंट रहेगी? हेटरोक्रोमेटिन प्रेजेंट रहेगी। दैट मींस हमारे पास में फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? 2x क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होती है? हेटरोक्रोमेटिन होती है, जो आगे चल के क्या बना देता है? बार बॉडी बना देता है। लेकिन मेल्स में तो हमारे पास में ओनली एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, तो ये एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी नहीं बनाता, मतलब मेल्स में बार बॉडी नहीं, बार बॉडी ओनली फीचर ऑफ फीमेल्स, ओके ठीक है। सो फैक्यूल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन हमारे पास में कैसे हेटरोक्रोमेटिन है? टेम्परेरी हेटरोक्रोमेटिन है, एंड ये हेटरोक्रोमेटिन इजीली किस में कन्वर्ट हो सकती है? यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकती है। वन क्रोमोसोम पेयर के ओनली वन क्रोमोसोम में ही क्या प्रेजेंट रहती है? हेटरोक्रोमेटिन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। फीमेल में हमारे पास में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? 2x क्रोमोसोम्स होते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट हो सकती है? हेटरोक्रोमेटिन प्रेजेंट हो सकती है, और ये क्या बना सकता है हमारे पास में? बार बॉडी। लेकिन मेल में हमारे पास में एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए मेल में बार बॉडी नहीं बनती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? कंस्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमेटिन। कंस्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमेटिन हमारे पास में हेटरोक्रोमेटिन की परमानेंट स्टेज है। ये वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम के दोनों क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहती है, ओके। सो कंस्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमेटिन हमारे पास में हेटरोक्रोमेटिन के कौन से स्टेज है? परमानेंट स्टेज है, और ये वन क्रोमोसोम पेयर के दोनों क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहती है। दैट इज व्हाट कंस्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमेटिन। कंस्टिट्यूटिव हेटरोक्रोमेटिन को हम यू क्रोमेटिन में चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द व्हाट परमानेंट स्टेज, ओके। सो आप ही नोट कर लो एक बार।
ओके, आई होप आप सब नोट कर चुके हैं इस चीज को। हमें बताया दैट हेटरोक्रोमेटिन कौन से, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है हेटरोक्रोमेटिन, सेंट्रोमियर में। ओके, इस रीजन में हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, हेटरोक्रोमेटिन। दैट मींस ये जो हमारे पास में सेंट्रोमियर है, यहाँ पे हमारे पास में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। ओके, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इन एनाफेज, एनाफेज में हमारे पास में क्या होता है, दैट सेंट्रोमियर हमारे पास में टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। और इस तरीके से हमारे पास में एक क्रोमेटिड एक पोल पे और दूसरा क्रोमेटिड कहाँ पे चला जाता है, दूसरे पोल पे चला जाता है। सो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इन एनाफेज, हेटरोक्रोमेटिन क्या करता है कि सेंट्रोमियर के डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे हाफ पार्ट ऑफ क्रोमेटिड एक पोल की तरफ चल जाता है एंड हाफ पार्ट ऑफ क्रोमेटिड अदर पोल की तरफ रह जाता है। ठीक है, हेटरोक्रोमेटिन रीजन हमारे पास में रेप्लिकेशन प्लस ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करता है। ओके, हेटरोक्रोमेटिन रीजन किस किस में हेल्प करता है, रेप्लिकेशन प्लस ट्रांसक्रिप्शन। ओके, हेल्प्स इन रेप्लिकेशन प्लस ट्रांसक्रिप्शन। देन आफ्टर हेटरोक्रोमेटिन रीजन है, एट द टाइम ऑफ मियोसिस इन प्रोफेज फर्स्ट, वी ऑल नो दैट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, हेटरोक्रोमेटिन। ओके, एट द टाइम ऑफ मियोसिस इन प्रोफेज फर्स्ट द होमोलोगस क्रोमोसोम अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर एंड दिस फंक्शन इज ट्रिगर बाय हेटरोक्रोमेटिन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में हेटरोक्रोमेटिन का क्या वर्क है, दैट यूक्रोमेटिन में इंटरवेल्स पर हमारे पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये हेटरोक्रोमेटिन चैम्बर्स। ये हमारे पास में फर्स्ट हेटरोक्रोमेटिन चैम्बर, एंड दिस इज द नेक्स्ट हेटरोक्रोमेटिन चैम्बर। सो हमें पता है दैट एक्टिव डीएनए हमारे पास में ओनली कहाँ पे प्रेजेंट है, यूक्रोमेटिन में प्रेजेंट है। दैट मींस यहाँ तक हमारे पास में रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, एंड जैसे ही हेटरोक्रोमेटिन रीजन आ जाएगा वो क्या सिग्नल देगा, दैट हमें रेप्लिकेशन को क्या करना है, स्टॉप करना है। ओके, सो यूक्रोमेटिन में हमारे पास में इंटरवेल्स पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, हेटरोक्रोमेटिन रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जो इस सिग्नल देते हैं दैट हमें रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन को क्या करना है, स्टॉप करना है। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हेटरोक्रोमेटिन, एक तो हेटरोक्रोमेटिन हमारे पास में किस रीजन में प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर रीजन में प्रेजेंट है, एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन सेंट्रोमियर क्या होगा, डिवाइड होगा इन एनाफेज में, एंड हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड एक पोल की तरफ जाएगा और आधा क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ जाएगा। नेक्स्ट हेटरोक्रोमेटिन किस में हेल्प करता है, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, एंड इन मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट
होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में जो अट्रैक्शन होता है उसको कौन ट्रिगर करता है? हेट्रोक्रोमेटिन करता है। इन यूक्रोमेटिन हमारे पास में इंटरवेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड हेट्रोक्रोमेटिन चैम्बर्स ये सिग्नल देते हैं कि दैट हमारा डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो चुका, अब हमें क्या करना है, इस चीज को स्टॉप करना है। ओके, सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। सो अभी तक हमने हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में क्या क्या पढ़ लिया? दैट हेट्रोक्रोमेटिन हमारे पास में कैसा स्टेंड होता है? लाइट स्टेंड होता है, वो डार्क स्टेंड होता है फर्स्टली। ओके, एंड देन आफ्टर हेट्रोक्रोमेटिन में कैसे सीक्वेंस फाउंड होते हैं? रिपीट सीक्वेंस फाउंड होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन में प्रेजेंट डीएनए कैसा डीएनए होता है? इनएक्टिव डीएनए होता है। दैट मीन्स हेट्रोक्रोमेटिन में रिपीटेटिव डीएनए एंड सेट डीएनए प्रेजेंट होता है। एंड जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो जीन्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? इनएक्टिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, हेट्रोक्रोमेटिन हमारे पास में कितने टाइप का होता है? फर्स्ट इज फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड द नेक्स्ट इज द कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन में हमारे पास में क्या होता है? दैट फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन इज वॉट टेम्पररी हेट्रोक्रोमेटिन, एंड ये हेट्रोक्रोमेटिन ईजिली किस में कन्वर्ट हो सकता है? यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, एंड द फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन एक क्रोमोसोम पेयर के ओनली वन क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन की वजह से ही क्या बन रहा है? बार बॉडी बन रहा है। दो एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम हमारे पास में क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन प्रेजेंट है, और वो क्या बनाएगा? बार बॉडी बनाएगा। इन मेल्स ओनली वन एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट्स वाई बार बॉडी मेल्स में नहीं होगी। ओके, एंड एक हमारे पास में है कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन हमारे पास में कैसा हेट्रोक्रोमेटिन है? परमानेंट हेट्रोक्रोमेटिन है, एंड कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन इजीली किस में कन्वर्ट नहीं हो सकता? यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट रहेगा। ये कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन ही है जो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? सेंट्रोमियर रीजन में एंड टीलोमियर रीजन में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में व्हाट इज यूक्रोमेटिन? यूक्रोमेटिन हमारे पास में कैसा क्रोमेटिन है? लाइट स्टेंड क्रोमेटिन है, एंड इसमें रिपीट सीक्वेंस नहीं होंगे। डीएनए कैसा होगा? एक्टिव डीएनए होगा। जीन्स कैसे होंगे? एक्टिव डीएनए होंगे, एक्टिव जीन्स होंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट क्या होगा यूक्रोमेटिन पे? बहुत लेस होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होगी? मोर होगी। ओके, दिस इज व्हाट यूक्रोमेटिन। सो आई होप आप सब समझ गए व्हाट इज हेट्रोक्रोमेटिन एंड व्हाट इज यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन इज डार्क स्टेंड एंड यूक्रोमेटिन इज लाइट स्टेंड। हेट्रोक्रोमेटिन में रिपीट सीक्वेंस एंड यूक्रोमेटिन में रिपीट सीक्वेंस नहीं। हेट्रोक्रोमेटिन में प्रेजेंट डीएनए रिपीटेटिव डीएनए एंड यूक्रोमेटिन में रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम हेट्रोक्रोमेटिन का एक फंक्शन देखते हैं। ओके, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन के पास में अगर कोई जीन प्रेजेंट है तो हेट्रोक्रोमेटिन उस जीन को क्या कर देता है? रिप्रेस कर देता है। दैट मींस ये जीन किस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती? रेप्लिकेशन में एंड ट्रांसक्रिप्शन में, एंड क्या नहीं बना पाती? प्रोटीन
नहीं बना पाती। दैट मीन्स इफ हेट्रोक्रोमेटिन रीजन प्रेजेंट है और उसके पास में कोई जीन प्रेजेंट है तो उसका क्या नहीं हो पाएगा, एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स एजिंग क्या आएगी, देर से आएगी, लेट एजिंग। ओके, सो अगर हेट्रोक्रोमेटिन रीजन के पास में कोई जीन प्रेजेंट है तो ये उसको क्या कर देता है, रिप्रेस कर देता है। दैट मीन्स इस जीन का जो भी एक्सप्रेशन है वो नहीं हो पाता, ठीक है ना। अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन रीजन को हटा दें या इसको कट कर दें तो क्या होगी, प्रोसेस ऑफ एजिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी और उस चीज़ को हम बोलेंगे प्रोजेरिया। क्या बोलेंगे, प्रोजेरिया, ठीक है। सो हेट्रोक्रोमेटिन कुछ कुछ मायनों में क्या है, इम्पोर्टेंट भी है हमारे पास में। दैट अगर हेट्रोक्रोमेटिन रीजन के पास में कोई जीन प्रेजेंट है तो ये उस जीन को क्या करता है, रिप्रेस करता है। दैट मीन्स उस जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन रीजन को हटा देंगे, कट कर देंगे, दैट लीड्स टू व्हाट, प्रोजेरिया। ओके, सेनेसेंस और प्रोजेरिया, ठीक है। एजिंग क्या आएगी उस टाइम पे, जल्दी आएगी, बिकॉज द रिमूवल ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन रीजन दैट विच रिप्रेस द एजिंग जीन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में स्ट्रक्चर है वो हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस को हम कैरियोसोम या एंडोसोम भी बोल सकते हैं आराम से, ठीक है। न्यूक्लियोलस का जो नंबर है वो वेरी करता है, दैट हमारे पास में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है और डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ओके, इफ़ हमारे पास में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, दैट मीन्स 23 एंड 23 तो कितना होगा, न्यूक्लियस 1 एंड 1। ओके, एंड इफ़ हमारे पास में डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है देन न्यूक्लियस भी हमारे पास में उसी रेशो में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है दैट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, फर्स्ट इज़ द एमोर्फस पार्ट एंड द नेक्स्ट इज़ द फिलामेंटस पार्ट। ओके, इन एमोर्फस पार्ट में हमारे पास में कितने पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज ग्रेनुलर जॉन, द नेक्स्ट इज फिब्रिलर पार्ट, थर्ड इज एमोर्फस प्रोटीन मैट्रिक्स एंड द फोर्थ इज न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन पार्ट। ओके, ग्रेनुलर जोन में हमारे पास में क्या होगा, दैट ग्रेनुलर जोन में हमारे पास में होंगे ग्रेन्यूल्स। ओके, ये ग्रेन्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे। एंड ये ग्रेन्यूल्स किसके बने हुए होंगे, हमारे पास में राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है फिब्रिलर पार्ट। फिब्रिलर पार्ट में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होंगे, फिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे इन दिस फॉर्म। एंड ये फिब्रिल्स भी हमारे पास में किसके बने हुए होंगे, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है एमोर्फस मैट्रिक्स पार्ट, दैट मींस मैट्रिक्स में हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्यूल्स एंड आरएनए फिब्रिल्स राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हुए। नेक्स्ट हमारे पास में है न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन पार्ट। न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन पार्ट में जो हमारे पास में क्रोमेटिन होती है वो टू टाइप की होती है, फर्स्ट इज पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन एंड द सेकेंड इज इनर न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है फिलामेंटस पार्ट। फिलामेंटस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोलीमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड फिलामेंटस पार्ट है हमारे पास में कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, दिस इज व्हाट,
ओके सो फिलामेंटस पार्ट हमारे पास में कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये हमारे पास में क्या है, एक न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम का जो आपको ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन दिख रहा है, यहाँ से न्यूक्लियोलस का कौन सा पार्ट ओरिजिनेट होता है, फिलामेंटस पार्ट। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोलस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन ऑफ क्रोमोसोम। ओके एंड फिलामेंटस पार्ट हमारे पास में किस किस से बना हुआ होता है, बेसिक स्टोन प्रोटीन्स प्लस आरएनए। ओके दैट इज व्हाट न्यूक्लियोलस। सो व्हाट न्यूक्लियोलस को हम क्या, और न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी किसने की थी, फोंटाना ने। ओके न्यूक्लियोलस को हम कैरियोसोम या एंडोसोम भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियोलस का नंबर वेरी करेगा, दैट हमारे पास में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है और डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ओके न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर में हमारे पास में दो पार्ट्स प्रेजेंट रहेंगे, द फर्स्ट इज द एमॉर्फस पार्ट एंड द नेक्स्ट इज द फिलामेंटस पार्ट। एमॉर्फस पार्ट में हमारे पास में कितने टाइप के जोन रहेंगे, फोर टाइप के। द फर्स्ट इज ग्रैनुलर जोन, द अदर इज द फिब्रिलर पार्ट, थर्ड इज द एमॉर्फस प्रोटीन मैट्रिक्स एंड द फोर्थ इज द न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन पार्ट। फर्स्ट जो हमारे पास में ग्रैनुलर जोन है, इस ग्रैनुलर जोन में हमारे पास में क्या प्रेजेंट रहेंगे, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एंड द अदर इज फिब्रिलर पार्ट, फिब्रिलर पार्ट में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होंगे, आरएनए फिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। एंड द अदर इज द एमॉर्फस प्रोटीन मैट्रिक्स, दैट मीन्स ये ग्रैन्यूल्स राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के ये ग्रैन्यूल्स एंड राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के ये आरएनए फिब्रिल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, एमॉर्फस मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहेंगे। एंड द एंड पार्ट इज न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन पार्ट। न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन पार्ट में हमारे पास में टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन प्रेजेंट रहेगी, द फर्स्ट इज पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन जो बाहर की तरफ प्रेजेंट रहेगी एंड द अदर इज इनर न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन जो अंदर की तरफ प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा पार्ट है, फिलामेंटस पार्ट है। फिलामेंटस पार्ट है, फिलामेंटस पार्ट कहाँ से ओरिजिनेट होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम के न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से ओरिजिनेट होता है। ओके एंड ये जो हमारे पास में फिलामेंटस पार्ट है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, बेसिक स्टोन प्रोटीन्स प्लस आरएनए। ओके आप इसको नोट कर लीजिए, देन आफ्टर हम न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार।
ओके। नेक्स्ट हम बनाते हैं न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर। यह हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियोलस है। इसमें हमारे पास में बाहर वाला पार्ट कौन सा है, पेरी न्यूक्लियोलर पार्ट। ये अंदर वाला आपको दिख रहा है, दैट इज़ व्हाट, इनर न्यूक्लियोलर पार्ट। एंड ये हमारे पास में क्या है, ग्रैन्यूल्स। ओके, ग्रैन्यूल्स हमारे पास में किसकी बनी हुई है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के। एंड ये हमारे पास में क्या है, फिब्रिल्स। ये भी हमारे पास में किसके बने हुए हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के। इसे नोट कर लीजिए आप।